नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, ये जो समय है पोल्ट्री फार्मर के लिए, मुझे लगता है साल का सबसे अच्छा समय है मुनाफा कमाने के लिए। अगर आप पोल्ट्री रेट पे अगर ध्यान देंगे तो 120 122 रुपए तक रेट आज का है। ठीक है, आज अगर अभी की बात करते हैं 120 122 का रेट भी, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, 110 112 तो आम रेट चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अभी जो है वो फार्मिंग में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग परेशान है कि उनके फार्म में जो है वो अभी भी इस रेट में भी मुनाफा नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा सा सीखने में जो है वो जल्दबाजी कर रहे हैं, और वो पता नहीं क्या कहाँ गलती कर रहे हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज भी कमेंट आया था, जैसे कि एक झारखंड के ही हमारे दोस्त है, वो बोलते थे कि 120 रुपए का रेट है, लेकिन अभी भी जो है वो उनके फार्म में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो उससे कैसे निपटा जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिन में आपको पोल्ट्री फार्म में अगर चिक्स आपका 1 केजी से बड़ा हो गया है, 1.5 केजी हो गया है, तो आपको अपने फार्म में दिन में कम से कम घुसना है। जितना बार आप घुसोगे, ठीक है, उतना बार पोल्ट्री इधर उधर भागेंगी, दौड़ेंगी, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मोटिलिटी आ रहा है। एक तो दूसरा ये है कि दोपहर में आपको गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप उससे बच सकते हैं। क्योंकि जो है वो फीडर अगर दोपहर में नहीं उठाइएगा तो फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट स्ट्रोक का खतरा रहेगा, मोटिलिटी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेट कितना भी रहे, आपको जब पोल्ट्री ही मोटिलिटी हो जाएगी, और जब बड़ा पोल्ट्री ये मोटिलिटी खाती है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। चिक्स अगर मर जाता है तो 40 रुपये 50 रुपये का आपका सिर्फ लॉस होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 90 रुपया 100 रुपया तक एक बर्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो अगर पोर्टिलिटी मोटिलिटी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्मर को दिक्कत होता है। तो इसलिए ध्यान दें, शाम में रात में आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, रात में थोड़ा सा एक दो बार फार्म में अपने विजिट कर सकते हैं, और उस समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा फीड खिलाने का पोल्ट्री को कोशिश कर सकते हैं, और सही समय पे सही पोल्ट्री फीड खिलाना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग जो है वो गलत फीड खिलाने लगते हैं जल्दी ग्रोथ पकड़ने के चक्कर में, तो 1.25 केजी जब तक पोल्ट्री हमारा नहीं जाता है तब तक फिनिशर नहीं खिलाना। फिनिशर से दोस्त मैं आपको बता दूं कि वेट काफी जल्दी पकड़ता है, लेकिन बहुत से लोग जो है वो थोड़ा जल्दीबाजी कर लेते हैं, 1 केजी में ही उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो पोल्ट्री को थोड़ा सा पचाने में दिक्कत होता है और फायदे की जगह उनको नुकसान बिल्कुल होने लगता है। गर्मी का सीजन है, ध्यान दीजिए, और अगर मेहनत करके करते हैं तो ये जो मौसम है ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे फार्मर जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग करने के, क्योंकि मोर्टिलिटी वगैरह अगर सही से नहीं करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा आती है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं, गर्मी में मोर्टिलिटी कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए ये चांदी का सबब बन जाता है। ये काफी अच्छा मौसम कहलाता है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।